हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अल्ट्रा लेजर लैब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं एक सीएनसी डीबरिंग मशीन से। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, मेटल फैब्रिकेशन का वर्क करते हैं एंड अपने लेज़र कटिंग वर्कपीस या अपने प्लाज्मा कटिंग वर्कपीस की वर्क प्रॉब्लम से परेशान हैं, देन दिस मशीन इज गोइंग टू बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। सो नो फर्दर डिलेज, लेट्स नो अबाउट द डीबरिंग मशीन। डीबरिंग मशीन का यूज अनइवन बर्स को रिमूव करने के लिए होता है। इस मशीन का ट्रू नेचर इसके नेम में ही शो होता है, लाइक डीबरिंग मशीन। सो जब भी हम कोई एक मेटल वर्कपीस को लेजर कट करते हैं, प्लाज्मा कट करते हैं और कोई भी कटिंग मेथड से कट करते हैं, देन डाउन साइड पर एंड बहुत बार अपर साइड पर भी हमें अनइवन बर देखने को मिलता है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होता है ड्यूरिंग फर्दर फैब्रिकेशन प्रोसेस। And that's why we use this machine. मार्केट के अंदर बहुत सारी डीबरिंग मशीन्स है, टू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल अवेलेबल है, डिपेंड ऑन द कस्टमर नीड। मोस्टली डीबरिंग मशीन जो है टू टाइप्स की होती है, सीएनसी डीबरिंग मशीन एंड एनसी डीबरिंग मशीन। एनसी डीबरिंग मशीन के अंदर बहुत सारे फीचर्स हमें मैनुअल देखने को मिलते हैं, लाइक हमें डीबरिंग रोलर्स एंड बेल्ट्स की हाइट को मैनुअल एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ शीट। बट इन सीएनसी डीबरिंग मशीन के अंदर ये फीचर ऑटोमेटिक होता है एंड साथ ही साथ हम बहुत सारे पैरामीटर प्रीसेट प्रीसेव्ड कर सकते हैं इन सीएनसी डीबरिंग मशीन। एंड इन बोथ द एनसी एंड सीएनसी डीबरिंग मशीन हम डीबरिंग रोलर्स एंड कन्वेयर बेल्ट्स की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द पार्ट फिनिश जो कि हमें पार्ट पे चाहिए होता है। सो जो है हम एक ही बार में बहुत सारे पार्ट को प्रोसेस कर सकते हैं। डीबरिंग मशीन के अंदर हमें एक और बहुत अमेजिंग फीचर देखने को मिलता है एंड दैट इज हम शार्प एजेस को राउंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डीबरिंग मशीन। बहुत बार क्या होता है, हमारे शार्प कॉर्नर्स होते हैं, शार्प एजेस होते हैं वर्क पीस के एंड बहुत बार जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, हमारे एम्प्लॉयज या हमारे वर्कर्स को जो है काम करने में प्रॉब्लम होती है, या बहुत बार हमें एज सच पार्ट चाहिए होते हैं जिनका हमें एजेस जो है राउंड चाहिए होता है फैब्रिकेशन प्रोसेस के अंदर। सो ये चीज़ भी हम इस मशीन के अंदर कर सकते हैं, हम जो है कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डीबरिंग मशीन। एंड बाय द हेल्प ऑफ डीबरिंग मशीन हम स्मॉल पार्ट्स को भी क्लीन कर सकते हैं बिकॉज द कन्वेयर बेल्ट इज मैग्नेटिक फॉर फेरस मटेरियल्स। अगर हम कंपेयर करें एक डीबरिंग मशीन को एक नॉर्मल बफिंग और ग्राइंडिंग प्रोसेस के साथ में, सो हमें बहुत सारे डिफरेंट एडवांटेजेस मिलते हैं डीबरिंग मशीन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीबरिंग मशीन एक ही बार में टू मैनी डिफरेंट पार्ट्स को क्लीन कर सकती है एंड देर इज़ नो मच मैन पावर नीडेड। हमारा सिर्फ एक ही ऑपरेटर जो है डीबरिंग मशीन को रन कर सकता है एंड एक ही बार में टू मैनी डिफरेंट पार्ट्स को जो है हम जो है क्लीन कर सकते हैं, डीबर कर सकते हैं, हमें एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत नहीं है इस मशीन के अंदर। एंड कुछ डीबरिंग मशीन के अंदर हमें टॉप एंड बॉटम दोनों ही साइड क्लीनिंग का फीचर देखने को मिलता है, मींस कि हम टॉप साइड को भी क्लीन कर सकते हैं पार्ट की एंड बॉटम साइड को भी क्लीन कर सकते हैं पार्ट की इन अ सेम प्रोसेस बाय द सेम मशीन एंड वो भी एक ही बार में। हमें जो है पार्ट को चेंज भी नहीं करना है, उसको जो है उसका जो पोजिशन है उसको भी चेंज नहीं करना है। एंड द नेक्स्ट फीचर इज डीबरिंग मशीन से हम नॉन फेरस मेटेरियल्स को भी क्लीन कर सकते हैं, लाइक एल्यूमिनियम एंड स्टील एंड स्मॉल पार्ट होगा तो भी क्लीन कर सकते हैं, अगर ये नॉन मैग्नेटिक है तो भी हम क्लीन कर सकते हैं बिकॉज हमें डीबरिंग मशीन के अंदर वैक्यूम सक्शन सिस्टम देखने को मिलता है ऑन इट्स कन्वेयर बेल्ट। तो जो भी हमारा वर्क पीस जो है कन्वेयर बेल्ट पर रखा रहेगा वो कन्वेयर बेल्ट से चिपका रहेगा ड्यूरिंग डीबरिंग, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा।
एंड हम इसको भी इजीली जो है क्लीन कर सकते हैं। सो दोस्तों, नाउ हियर इज द क्वेश्चन इज हु कैन बाय दिस मशीन। कोई भी एक मेटल फैब्रिकेशन कंपनी जो बल्क में मेटल कटिंग करती है एंड पुट टू मैनी लेबर्स जस्ट टू क्लीन देयर पार्ट्स, वो इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं एंड बाय कर सकते हैं, बिकॉज एक तो आपका मैन पावर रिड्यूस होता है इस मशीन से फॉर क्लीनिंग द पार्ट्स, एंड एक ही बार में आप बहुत सारे पार्ट्स को क्लीन कर सकते हैं एंड आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा बाय द हेल्प ऑफ दिस मशीन। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो एक बेसिक एनसी डीवरिंग मशीन स्टार्ट होती है 6 लाख रुपए से एंड फर्दर प्राइस इंक्रीज होगा बेस्ड ऑन द साइज, फीचर एंड डीबरिंग सिस्टम यूज इन द मशीन। सो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डीबरिंग मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो कैन फुलफिल योर डीबरिंग नीड्स, देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस। वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू दिस मशीन एंड यू कैन मेल अस फॉर दिस इंक्वायरी ऑफ दिस डीबरिंग मशीन एट info@ultralaserlab.com. Thanks for watching this video, guys. I hope this video is informative for you. So like this video, share this video, and if you are new on our YouTube channel, so make sure you have subscribed our YouTube channel. We will see you soon in our next video. Till then, bye bye. Take care. Signing off, Vivek Chaudhary. Thank you. Have a nice day.